आज का कार्यक्रम तो सबसे ज़्यादा खुशी का कार्यक्रम है, क्योंकि आज हमारे वैसे छात्र जो खाने खाने के लिए मोहताज होते हैं, वो छात्र भले ही पेट भूखा हो बट एक और भूख उन्होंने पाल रखी थी, डॉक्टर बनने का भूख, और इसी वजह से वो डॉक्टर बनने की राह पर चल पड़े। और जब आज रिज़ल्ट आता है तो हमारे 20 के 20 बच्चे मेडिकल नीट में क्वालिफाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 में से 3 ऐसे बच्चे हैं जो 720 में 700 मार्क्स लेकर के आते हैं और उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आते हैं। और इनका बस इसमें से एक बच्चा ऐसा भी है संपद, जो उड़ीसा का बच्चा है, जिसका जज्बा को तो मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो उसका खुद का किडनी का प्रॉब्लम है, वो इलाज नहीं करा पाता है पैसों के अभाव की वजह से, और वो एक कसम खाता है कि मैं खुद डॉक्टर बनूंगा और अपना इलाज खुद करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जिसके घर में कोई बीमार है, उसका इलाज पैसों के अभाव से नहीं हो पाता है, लेकिन उसके अंदर में एक जोश, जज्बा, जुनून है कि एक दिन मैं इसे ठीक ज़रूर करूंगा। और ऐसे ऐसे बच्चे आज डॉक्टर बने हैं, और जिसका कि आप इंटरव्यू, आप सारे बच्चे मेरे साथ हैं, उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी यदि आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि महाप्रभु की कृपा से मैं भी जब यहाँ आया था तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आया था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना सबल बनाया कि भले ही मैं एक दिन डॉक्टर पैसों के अभाव से नहीं बन पाया, लेकिन आज मैं लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए सक्षम हो पाया। और आज 123 बच्चे को हम डॉक्टर बना पाए, ये 7वां साल है, और 7 सालों में 123 बच्चे हमारा मेडिकल क्वालिफाई किया है। इसके साथ ये पहला ऐसा साल है जिसमें उड़ीसा के अलावा बाहर के राज्यों के भी बच्चे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के भी बच्चे डॉक्टर बनने की राह पर दिखाई दे रहे हैं उड़ीसा के धरती में पढ़ करके। कैसे सिलेक्ट करते हैं? मेरे लिए न कोई जात पात धर्म कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बस एक ही क्राइटेरिया है कि वो अत्यंत गरीब होना चाहिए, और गरीबी ही एक क्राइटेरिया है, उसकी आमदनी बहुत कम होनी चाहिए, मैक्सिमम आमदनी 1.5 लाख रुपया साल का होना चाहिए, इसी क्राइटेरिया के तहत हम सब लोग इसकी तैयारी कराते हैं। तो मो ना संपद मुदली, पूरी डिस्ट्रिक्ट निमापड़ मोर एथरक नीट्रे 720 मार्क आँ तो बहुत खुशी अच्छी, घर लोक भी बहुत खुशी अच्छा रेजल्ट को देखिकी, सर भी बहुत खुशी अच्छा, एत एम प्रोब्लेम टाइम रे सर हेल्प करते, मुझे जानी भी नी मुझ न्यूज पेपर आर्ट रू देखी सर को जापरली जे एत भल मिलू पा गरीब पा, तो मुझे तो बहुत खुशी अच्छे बर्तमान मत चान्स मिलला, और मुझे भी होप करी कि आगे भी एमती प्रोब्लेम चाइल्ड मान को मिलू हेल्प सेटा, तो सेतबेले हेई पारिलानी एतिके आर्थिक सुविधा नथिला, किंतु आगो को जाई पैसा आसिले ट्रीटमेंट करिया को चेष्टा करिवी जेतिके हेई परिवो। जदि आपनको हमो वीडियो टी भल लागिला तबे हमो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।